अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर जिले के सदस्यता अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन पीपीगंज में किया गया। दो सत्रों में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान जिला संगठन मंत्री आकाश एवं जिला संयोजक अमित व गौतम कुमार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की डॉक्टर सुषमा पांडे ने कहा, कभी भी संगठन कोई भी विचार हमारे यहाँ संगठन में का तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन में वो चीजें कभी खत्म नहीं होती। एक है संवाद, हम आपस में संवाद करते हैं, हमारी बोल चाल कभी एक दूसरे से खत्म नहीं होती। दूसरा मिलाप, देखिए इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में दो प्रमुख अभियान को लेकर चल रही, एक सेल्फी विद कैंपस और एक है सदस्यता। हमारे परिसर खुल चुके हैं और परिसर ही क्योंकि हमारे मजबूती का आधार है, तो वहाँ पर नए सदस्यों को जोड़ने के लिए हम लोग परिसरों में अपने लक्ष्य को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो इस उस संदर्भ में गोरखपुर जिला में मेरा प्रवास था जिसमें मैं आई हुई हूँ, और यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं के साथ इस ये बात कर रहे थे कि आखिर हमारे सेल्फी विद कैंपस और ये सदस्यता अभियान, इन दोनों के हमारे क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, हमें इन किस तरीके से करना चाहिए और हम इनको अभियान के रूप में ले चलने में हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होंगी, और विद्यार्थी के रूप में और एक सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आप उन चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे, और किस प्रकार से हम अपनी बातों को किस प्रकार से कैंपस तक लेके जाएं, जिससे आज विश्व का जो ये सबसे बड़ा छात्र संगठन है इसका हाथ और मजबूत हो, नए नए कार्यकर्ता हमारे इस सत्र में भी हमारे संगठन के साथ जुड़े, हमारी परिषद के साथ जुड़े, इसी लक्ष्य को लेकर के आज हम लोगों ने इस कार्यशाला का आयोजन किया।